प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कहानी लिखने का तरीका बताऊंगी। कहानी इस तरह से लिखनी चाहिए कि पढ़ने वाले को कहानी के वाक्यात, आगाज, अरूज और अंजाम आसानी से समझ में आ जाए। कहानी हमेशा पहरों की शक्ल में लिखनी चाहिए। चूंकि कहानी का ताल्लुक माजी से होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कहानी हमेशा फेल माजी में लिखी जाए। कहानी के वाक्यात खास तरतीब से लिखने चाहिए। कहानी का उन्वान और नतीजा या इखलाकी सबक ज़रूर लिखना चाहिए। अगर किसी खास उन्वान पर कहानी लिखने को कहा जाए, तो इसको उन्वान के मुताल्लिक जो किस्सा या कहानी आपको दिया हो, खुशखत करके और रब्त का ख्याल रखते हुए लिख दें। कहानी अगर खाके की सूरत में दी गई हो, तो कहानी लिखने से पहले खाके को एक दो मर्तबा गौर से पढ़ लेना चाहिए। खाके की मदद से कहानी लिखने की सूरत में इशारात को खोल कर बयान कर देने की ज़रूरत होती है, ताकि कहानी मुनासिब हद तक लंबी हो जाए और मफहूम भी वाज़ेह हो जाए।